तो इधर से होते हुए जा रहा हूँ सोलंग वैली की तरफ। यहाँ से व्यू देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। देखिए हाईवे कितना प्यारा लग रहा है, और नीचे गांव है, और ये सेब है इसमें लगे हुए, फिर में लाल ये रेड वाले सेब हैं। ये सेब काफ़ी बड़ा है, ये देखिए कितना बड़ा है। सिर्फ एक सेब तोड़ रहा हूँ मैं टेस्ट करने के लिए। टेस्ट करते हैं। काफ़ी रसीला और काफ़ी। ये पलचान गांव ये दिखाई दे रहा है सामने, वो हाईवे भी है, और हाईवे के नीचे से बगल से वो ब्यास नदी भी बह रही है। और सबसे बड़ा मार्केट है सोलंग वैली के पास का। सोलंग वैली का तो मार्केट बहुत छोटा सा है। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सत्तो जर्नी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जा रहा हूँ मैं मनाली से, ओल्ड मनाली से सोलंग वैली, एक दूसरे रूट से। जो मेन हाईवे है वो तो नेहरू कुंड होके वाला रास्ता हो जाता है सोलंग वैली का। मैं जा रहा हूँ ओल्ड मनाली से, पीछे से एक रास्ता जाता है सनाग विलेज होते हुए भ्रुआ के पास से रास्ता जाता है, और वो फिर पलचान में निकलता है सीधे, फिर वो कनेक्ट हो जाता है मेन हाईवे में, और वहाँ से तो बस 3 किलोमीटर है सोलंग वैली। तो ये रूट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है, एप्पल के बागीचे हैं, हरियाली अच्छी है, सीनिक व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है इस रूट में। तो आज मैं जा रहा हूँ इधर, ये मनाली माल रोड से ये रास्ता आता है, और इधर ये ओल्ड मनाली आगे जाएंगे लोहे का ये पुल मिलता है। और आज मैं जा रहा हूँ ये स्कूटी से, बिल्कुल नया स्कूटी है, गौतम भाई का है, उन्होंने लिया है अभी 5 स्कूटी रेंटल पर्पज से। TVS का है 125 CC, तो इसको चलाना था, उसके बाद इसकी सर्विस होगी। तो गौतम भाई ने बोला कि इसको चलाओ, तभी सर्विस वाले आएंगे तो सर्विस हो पाएगा। आज इसी स्कूटी से मैं जा रहा हूँ सोलंग वैली। बाइक तो मैंने खड़ी कर दी है, कुछ दिन बाद बाइक को भी निकालूंगा। तो यहाँ से चलता हूँ, इधर से होते हुए चलेंगे, ये रास्ता होते हुए तो ओल्ड मनाली है। इधर सामने की तरफ बगल में था वन विहार, इसके बगल में, और ये ओल्ड मनाली का मेन ये एंट्री पॉइंट है बोल सकते हैं, क्योंकि नदी के जो यहाँ पे मनालसू नदी बहती है ओल्ड मनाली क्रॉस करने के लिए। तो सामने एक ब्रिज है, ब्रिज क्रॉस करेंगे और फिर पीछे से जाएंगे, क्लब हाउस है उसके पीछे से रास्ता जाता है, ये है मनालसू नदी इस तरफ, और ये ब्रिज क्रॉस करके लेफ्ट हैंड साइड रास्ता चले आएगा ओल्ड मनाली विलेज मनु टेम्पल, और राइट हैंड साइड इधर टर्न ले लेंगे, ये जा रहे हैं इधर क्लब हाउस के पीछे से रास्ता जाता है सनाग ब्रुवा होते हुए सोलंग वैली की तरफ। रास्ता ये काफ़ी अच्छा है, सीनिक व्यू काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं इस रास्ते में, उसमें भी अच्छा दिखाई देता है जो मेन हाईवे से जाएंगे, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है उससे कंपेयर करूँ तो। हरियाली अच्छी है, बीच बीच में छोटे छोटे इसमें गाँव भी देखने के लिए मिल जाते हैं। सामने है यहाँ पर ये डी क्लब हाउस मनाली का, भीड़ कम है, संडे का दिन है, लेकिन भीड़ थोड़ी बहुत है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। सितंबर का महीना है, सितंबर का महीना ऐसे ही कम भीड़ रहती है अगस्त और सितंबर में। सामने दिखाई दे रहा है ना, ये है क्लब हाउस का बिल्डिंग, तो इसमें शॉपिंग शॉपिंग होती है, पहले इंडोर गेम होते थे, अब तो वो सारे हो नहीं रखे हैं। बोटिंग वोटिंग भी होती थी पहले, वो भी है, बोटिंग वोटिंग भी अब नहीं होती है, वो बंद हो रखी है। अब ये पहाड़ में लग गया है थोड़ा ट्रैफिक जाम होता है ऐसा, क्योंकि सिंगल रास्ता है, अगर गाड़ियां भी खड़ी है तो ज़्यादा स्पेस नहीं रहता है गाड़ियों को क्रॉस करने के लिए। ओल्ड मनाली जो इधर रहना चाहते हैं, ओल्ड मनाली से अच्छा है जिस लोकेशन की तरफ मैं जा रहा हूँ, क्लब हाउस के पीछे वाला, पहले एरिया डेवलप नहीं था, अब अच्छा खासा डेवलप हो गया है, रोड भी बन गए हैं, और अच्छे अच्छे होटल होम स्टे और कॉटेजेस भी इधर अच्छे अच्छे बन गए हैं, व्यू काफ़ी अच्छा है। ओल्ड मनाली हाइट पे है, ये थोड़ी कम हाइट पे है, लेकिन जगह ये काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन है। इधर से उसके ऊपर भी है, सीढ़ी से होते हुए ऊपर चले जाएंगे, इसके ऊपर भी बहुत सारे मंथली पर्पज़ के लिए भी मतलब गेस्ट हाउसेस बने हैं, होटल भी बने हैं, और जिधर सीधा सीधा जा रहा हूँ इस तरफ भी ये बना हुआ है।
तो इस तरह पर स्टे करना अच्छा है, जो सुकून में रहना चाहते हैं, बढ़िया, ज़्यादा भीड़ भाड़, ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, प्लस गाड़ियों की पार्किंग की दिक्कत इधर नहीं होती है, काफ़ी स्पेस है। ओल्ड मनाली में तो काफ़ी दिक्कत होती है गाड़ी को पार्क करने के लिए भी। इधर देखिए, राइट हैंड साइड होटल हैं बने हैं, लेफ्ट हैंड साइड बने हैं, पहले कुछ नहीं था, अभी हाल के वर्षों में 2 to 3 ईयर के अंदर ये सारा ये एरिया बहुत फास्ट डेवलप हुआ है, पहले इतना ये एरिया डेवलप नहीं था, इक्का दुक्का बने हुए थे, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा ये डेवलप हो गया है, बहुत ज़्यादा ये बन गया है। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड में पूरा ये सेब के बागीचे हैं, कुछ कुछ सेब लगे हैं, बाकी टूटने लगे हैं, क्योंकि 15 अगस्त के बाद सेब टूटने चालू हो जाते हैं, लगभग टूटने लगते हैं सेब, तो किसान तोड़ के मंडियों में बेचने लगते हैं, तो कहीं कहीं सेब दिख रहे हैं, कहीं कहीं नहीं दिख रहे हैं। अभी इस तरह में मैक्सिमम तो दिख रहा है कि सेब टूट रखा है। अब इधर से आगे चलेंगे तो गांव मिलेगा, सनाग विलेज आगे की तरफ। इधर का देखिए व्यू काफ़ी अच्छा है, सड़कें चौड़ी चौड़ी हैं, आराम से गाड़ी से आइए, पार्किंग की कोई टेंशन है नहीं, इधर आराम से गाड़ी पार्क करिए, पार्किंग का होटल में भी है काफ़ी पार्किंग का प्लेस यहाँ पर। ये सब बिल्कुल नई नई है, कंस्ट्रक्शन इतना फास्ट हो रहा है कि एक साल में होटल बनकर तैयार हो जा रहे हैं, रेडी हो जा रहे हैं होटल बनके। और व्यू कितना अच्छा है, हरियाली है दोनों तरफ, और राइट हैंड साइड में नदी बह रही है, ब्यास नदी। इधर थोड़ी दूर आगे चलेंगे तो एक जगह है, बनाया है इसमें हिमाचल गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने घूमने उमने के लिए, पहले वो ऐसे ही जंगल टाइप का था, उसे थोड़ा काट कूट के प्लेन करके घूमने के लिए पार्क टाइप का बनाया है। यहाँ पर कम ही लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए, बहुतों को जानकारी नहीं है इधर, और टैक्सी वाले भी इधर लेकर नहीं आते हैं, वो सीधा ही चल जाते हैं मेन हाईवे में, ये तो साइड रूट है, सनाग होते हुए इधर जाना पड़ता है, क्योंकि नेहरू कुंड होते हुए मैक्सिमम लोग निकल जाते हैं। तो यहाँ तक होटल ठीक ठाक है, और यहाँ के आगे है जो पार्क, पार्क में बता रहा था ये सामने वो उसका एंट्री गेट बना हुआ है, 10 रुपये शायद फीस है, 10 या 20 रुपये कुछ है इसका फीस, एंट्री चार्ज है अंदर जाने के लिए। तो आपको यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, ये वाला है कुछ कुछ इस तरह का, ब्यास नेचर पार्क, ये वाला कुछ कुछ इस तरह का है, ये बना हुआ HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। मैं अंदर जा चुका हूँ, मैं बाहर से दिखा दे रहा हूँ, जो लोग आना चाहते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, कार पार्क करिए, अंदर घूमिए, और मैं जा रहा हूँ फिर आगे की तरफ, यहाँ से फिर होते हुए सनाग विलेज की तरफ, यहाँ से चलता हूँ आगे की तरफ। व्यू देखिए काफी मस्त है एकदम। इधर पहाड़ों से पानी गिर रहा है, हल्का सा झरने टाइप का है, कुछ विदेशी फॉरेनर सब यहाँ बैठ रखे हैं। राइट हैंड साइड में पार्क वाला एरिया है, लेफ्ट हैंड साइड में माउंटेन देखिए, सामने दूर दिखाई दे रहा है जोगनी वाटरफॉल, खुली आंखों से दिखाई दे रहा है, ऐसे कैमरे से वो दिखाई नहीं देगा कि आंखों के लेंस की जो रिजोल्यूशन होता है वो कैमरे में कतई नहीं आ सकता है, अलग ही बात होती है। जोगनी वाटरफॉल दिखाई दे रहा है, और अब रास्ता काफ़ी अच्छा हो गया, बीच में रास्ता थोड़ा ख़राब था, लेकिन अभी तो ये रास्ता ये मस्त हो रखा है बिल्कुल। इस रूट में भी आगे
इक्का दुक्का होटल और गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं। लोग सब सोचते हैं कि इतना दूर में कैसे लोग आएंगे रहेंगे, लेकिन जिनकी अच्छी मार्केटिंग है ऑनलाइन, लोग यहाँ तक भी आ जा रहे हैं। व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और नीचे और ऊपर दोनों तरफ सेब के बागीचे हैं अच्छे खासे। यहाँ पर सेब लगी हुई है, यहाँ पर ठीक ठाक सेब का प्लांटेशन हो रखा है। यहाँ पे कुछ टूटने भी लगे हैं, सेब लगे हुए भी हैं। ये रोड के बगल में है, दोनों तरफ ये सेब के बागीचे हैं। कुछ टूट भी गए हैं, टूटने भी लगे हैं। और यहाँ से राइट हैंड साइड में है सनाग विलेज, नीचे की तरफ है ये। मैं तो रोड से जा रहा हूँ ऊपर ऊपर की तरफ से, काफ़ी मज़ा आएगा यहाँ से। व्यू देखिए सामने सामने, उधर है ना, दूर है उधर वो सोलांग वैली। तो जिग जैग होते हुए रास्ते से ये बिल्कुल आगे की तरफ ये जाता है ये रास्ता। काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी इंजॉय करते हैं इसे। तो इधर से होते हुए जा रहा हूँ सोलंग वैली की तरफ। यहाँ से व्यू देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, माउंटेन का पीसफुल है, बिल्कुल शांति ही शांति है चारों तरफ। देखिए हाईवे कितना प्यारा लग रहा है, और नीचे गांव है, और ये सेब है इसमें लगे हुए, फिर में लाल ये रेड वाले सेब हैं, और ये इसमें ये हरे वाले सेब हैं। नीचे पूरा ये सेब का बागीचा है, ऊपर भी ये पूरा सेब का बागीचा है। ऊपर की तरफ भी देखेंगे उधर बिल्कुल रेड रेड सेब लगे हुए, उस तरफ भी आगे की तरफ भी उधर नज़र जाएगा। तो रोड के बगल से ही दिखा देता हूँ, तो शांत जगह है, अच्छा है ये। इस तरफ से होते हुए जाएंगे तो काफ़ी एंजॉय करेंगे लोग। इधर भी ये रेड रेड इधर ये सेब लगे हुए, रोड के अंदर वाला है थोड़ा ये। ये देखिए ये जूम करके दिखाऊं, सेब पूरे रेड रेड लाल लाल हो गए हैं अभी इस टाइम पे, ये वाले सारे, और ये लगभग रेडी हो गए हैं सेब, और ये टूटने लगेंगे। सेब टूटना भी चालू हो गए हैं धीरे धीरे। तो यहाँ से अब चलते हैं इधर, यहाँ से आगे की तरफ भुरुआ है, और भुरुआ से आगे फिर चले जाएंगे उधर सनाक की तरफ। इधर ये पेड़ में ये सेब लगे हैं, तो देखता हूँ एक सेब जा पाता हूँ वहाँ, सेब तोड़ के टेस्ट करते। टेस्ट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक सेब तो खा ही सकते हैं। तो ये पहुँच गए यहाँ पर, सेब यहाँ लगा हुआ है ठीक ठाक। ये सेब काफ़ी बड़ा है, ये देखिए इतना बड़ा है। सिर्फ एक सेब तोड़ा हूँ मैं टेस्ट करने के लिए, टेस्ट करते हैं। काफ़ी रसीला और काफ़ी जूसी है ये सेब, एक सेब तोड़ के खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं तोड़ना चाहिए, सही बात नहीं है। फिर ये नीचे आ गए स्कूटी के पास, स्कूटी स्टार्ट करते हैं और फिर चलते हैं। ये सीधा रास्ता चले जाता है यहाँ से सनाग गुरुआ होते हुए सोलंग वैली की तरफ, और फिर यहाँ से एक रास्ता कटता है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, वो भी एक गांव है, सिंगल गांव है, वहाँ पर वो जाता है। उस गांव का नाम भूल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, ये तो सनाग लिखा है यहाँ पे, और इधर ये लिखा है मजाच विलेज है, वो उधर चले जाता है यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड जो रास्ता, वो यहाँ से कट होता है। रास्ता देखिए कितना बढ़िया है, पहले कंस्ट्रक्शन कम था यहाँ पर, अब देख रहा हूँ सेब के बागीचे काट दिए गए हैं, घर मकान ही बन रहे हैं, कुछ ही थे यहाँ पर होटल और कॉटेजेस, अब खूब बन गए हैं, और बागीचे अभी भी लगे हुए हैं। मुझे लगता है आने वाले सालों में, 5 सालों में बागीचे ख़त्म हो जाएंगे, होटल घर और गेस्ट हाउस ही चारों तरफ दिखाई देंगे यहाँ पर। यहाँ पर भी आया था डैडी होम स्टे, आया था एक बार, पुराना है उतना अच्छा नहीं है ये वाला। और ये सनाग का एरिया कुछ नया एरिया है, नए नए होटल यहाँ पे, नई नई पटीज है, घूमने में काफ़ी अच्छा लगेगा। राइड करना खासकर टू व्हीलर पे, कार से उतना मज़ा नहीं आएगा राइड करने में, आपको स्कूटी लीजिए अपना,
जो स्कूटी चला रहा हूँ ये 600 में मिल जाता है, 500 में कभी दे देते हैं, कभी 700 भी रहता है, डिपेंड करता है। और घूमिए इसको आराम से, नदी देखिए, पहाड़ देखिए, बागीचे देखिए, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है उसका लुत्फ उठाइए। रास्ते अच्छे बन गए हैं, बीच में रास्ता ख़राब था, अभी तो रास्ता काफ़ी मस्त है, एकदम बढ़िया वाला है। और यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे लोकेशन पे, पारा ग्लाइडिंग यहाँ पर भी होती है, सोलंग वैली में भी होती है और यहाँ पर भी पारा ग्लाइडिंग होती है। मनाली में बहुत सारे मतलब हैं जगह पारा ग्लाइडिंग करने के लिए। और एक पतली पुल की तरफ थोड़ा आगे चले जाइएगा, उधर अच्छा वाला होता है पारा ग्लाइडिंग, बड़े वाला होता है, मतलब वहाँ पे 20 मिनट तक आधे घंटे भी आप हवा में रहिए। लिखा पारा ग्लाइडिंग साइट मजाज, तो सनाग मजाज से कुत्ते गांव से और सनाग में यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ कुछ। और कॉटेजेस बहुत है यहाँ पर, होटल कॉटेजेस यहाँ पर अच्छे खासे हैं, यहाँ पर बने हुए प्रॉपर्टी, अच्छा जगह है स्टे करने के लिए, रहने के लिए बढ़िया जगह है, क्योंकि तो लोकेशन देख के ही आइडिया लग जा रहा होगा, पता ही है, मोटा मोटा चल जा रहा होगा कैसा जगह है। कोई भीड़ भाड़ नहीं है, बिल्कुल पीसफुल है, ऐसा पीसफुल पहाड़ों में लोग चाहते हैं। मनाली माल रोड के पास तो बहुत भीड़ भाड़ वाली एरिया है, यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, शांति है, कुछ सालों तक शांति रहेगी, 5-7 सालों तक, हो सकता है 10 साल के बाद यहाँ पर भी भीड़ हो जाए, ट्रैफिक बढ़ जाए, लोग ज़्यादा हो जाए, आबादी तो ऐसे ही दिन ब दिन बढ़ ही रही है सभी जगह की। तो अभी के टाइम में ये रोड देखिए मस्त यहाँ पे बन रखा है, तो अच्छा है, कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़िया है। मनाली ही माल रोड से ये वाला कुछ 7 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, मनाली माल रोड से 7 किलोमीटर। मेन हाईवे से आएंगे तो आप नेहरू कुंड से एक ब्रिज कटता है, लेफ्ट हैंड साइड टर्न होंगे तो इधर आ जाएंगे, या जैसे मैं आ रहा हूँ ओल्ड मनाली के पीछे क्लब हाउस के पीछे पीछे से आएंगे तो सीधा आप इसी जगह पर आकर पहुँचेंगे, लैंड होंगे इसी लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे मैं हूँ अभी। और यहाँ से एक रास्ता राइट हैंड साइड चले जाता है, वो हाईवे में मिल जाता है जो मेन हाईवे है, और एक रास्ता लेफ्ट हैंड साइड करता है यहाँ से, पतला वाला सिंगल रास्ता है, वो चले जाता है पलचान तक, फिर वो जाके मेन हाईवे में जाकर वहाँ पर फिर वो मिलता है। तो अपन चलते हैं यहाँ से, लेंगे अपन यहाँ से लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न लेकर चलेंगे फिर आगे की तरफ, कार जा रही है राइट हैंड साइड और अपन को चलना है लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला यहाँ से सीधा रास्ता यहाँ से जाना है, लेफ्ट हैंड साइड वाले में हमें टर्न नहीं होना, जिधर से ट्रक आ रहा है वही वाले रास्ते पे ये हम पकड़ लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्न हो जाते तो चले जाते भ्रुआ विलेज, बगल में यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट है भ्रुआ विलेज का, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हो जाता है और ये सिंगल रास्ता है, ये चले आता है पलचान होते हुए सोलंग वैली की तरफ। इधर तो काफ़ी सेब के बागीचे हैं, बाकी जगह उतने नहीं है यहाँ पर जितने थे, लेकिन इधर भी इतना फास्ट कंस्ट्रक्शन हुआ है ना, पिछले 5 सालों में मैंने देखा है सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, इस एरिया में तो सबसे फास्ट कंस्ट्रक्शन हुआ है, बाकी जगह में इतना फास्ट नहीं हुआ है जितना फास्ट कंस्ट्रक्शन इस एरिया में हुआ है मैंने देखा है। रोड भी इधर नहीं बने हैं, ख़राब है इधर के रोड, पहले काफ़ी अच्छा था, बारिश के कारण ख़राब हो गया है, तो फिलहाल ये बना नहीं है, रोड अच्छा होता तो काफ़ी मज़ा आता, पहले अभी आए ना रोड काफ़ी अच्छा था तो स्कूटी ड्राइव करने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा था, एंजॉय कर रहा था ड्राइव करने में, इधर रोड टूटे फूटे रहते हैं ना उतना मज़ा नहीं आता फिर वो ड्राइव करने में, मज़ा ख़राब हो जाता है फिर। देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ ये रोड ये टूट रखा है, यहाँ पर रोड की हालत एकदम खस्ता हो गई है दिन ब दिन, यहाँ पर देखेंगे तो ऐसी हो गई है रोड की हालत यहाँ पर। रोड अच्छा होता पहले रोड काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मस्त था, ख़राब हुआ है तो गवर्नमेंट बना ही नहीं रही है, ये आता स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, हिमाचल गवर्नमेंट बनाएंगे इस रोड को इसलिए नहीं बना है, और वो मेन हाईवे है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, वो कुछ भी होता है ख़राब तो फटाफट बन जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के रोड का कंडीशन ऐसा ही है यहाँ पर, लेकिन सबसे बुरी हालत है, पहले ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, इतना ख़राब कंडीशन में रोड, रोड तो एकदम सही नहीं है इस कंडीशन में, आबादी दिन ब दिन इधर बढ़ने ही लगी है,
जिनमें इधर देखेंगे आबादी तो एकदम ये बढ़ ही रही है। गाड़ी आ जाए ना, दो गाड़ी आमने सामने तो जाम लगना तो पक्का है यहाँ पे। तो जा रहा था यहाँ से सोलंग वैली की तरफ, तो व्यू यहाँ से दिखा दूँ, रुक कर सोचा मैं दिखा दूँ, काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ से, और लोकेशन भी बता दूँगा, समझ में आएगा ठीक से। मैं आया हूँ इधर से, इस तरफ से, ठीक है, ये इधर से ही है बुरवा होते हुए, सामने वो बोर्ड लिखा हुआ है पलचान का, वो उस तरफ ये बोर्ड लिखा हुआ है, सामने वो दिख रहा है ना, ये पलचान गांव है, ये सामने वाला जो इतने घर मकान वो सब दिखाई दे रहे हैं ना, वो पलचान वाला वो सारा एरिया है उस तरफ सामने। जूम करके दिखाऊं, ये पलचान गांव ये दिखाई दे रहा है सामने, वो हाईवे भी है और हाईवे के नीचे से बगल से वो ब्यास नदी भी बह रही है। और आगे की तरफ दिखाऊं तो अभी इसी रास्ते से जाएंगे, हाईवे में कनेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ से 3 किलोमीटर है सोलांग वैली का रास्ता। और ये देखता हूँ आगे जाके, ये रास्ता क्या है ना, अभी जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ था ना, मस्त ये बना हुआ था, तो ये हाईवे थोड़ा टूट टाट सा गया है, ये वाला यहाँ देखेंगे इस तरह से, तो यह तो मस्त रोड बना हुआ था, ब्रिज तो खैर जैसी की तैसी है ही बनी हुई, ये वाला ये पूरा पैच ये टूट गया इस तरफ से, ये क्लाउड ब्रस्ट हुआ तो उधर से ये बड़े बड़े पत्थर और बुलडोजर आकर यहाँ पर ये जमा हो गए, उधर ये ब्रिज है। और पलचान गांव के पीछे चले जाएंगे, कोठी के आगे वही रास्ता होके चले जाता है सोलंग वैली की तरफ, कोठी है, लास्ट विलेज है रोहतांग पास हाईवे पर, और ये रास्ता इधर चले जाएगा सोलंग गांव है, सोलंग गांव लास्ट गांव है अटल टनल वाले हाईवे की तरफ। तो कुछ इस तरह का था, अब राइड करके लेके चलता हूँ, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में, मुश्किल से यहाँ से 5 मिनट लगेगा सोलंग वैली पहुँचने में। अब इधर से होते हुए चलते हैं सोलांग की तरफ, पहाड़ों में ऐसा ही होता भाई, डेवलपमेंट खूब होता है, हर साल रास्ते टूट जाते हैं, बह जाते हैं, करोड़ों का नुकसान होता है यहाँ पे, हर साल बनाना पड़ता है रास्ता, हर साल टूट जाता है। इतना मस्त ये वाला हाईवे ये बना हुआ था, काफ़ी ज़बरदस्त था यहाँ पे, लेकिन अब ऐसे लग रहा है देख कर कि यहाँ पर कभी रास्ता ही नहीं बना था, तो क्या करेंगे भाई, बादल फटे थे सोलंग वैली के पास अंजनी महादेव मंदिर की तरफ, और ये कांड हो गया सारा। शुक्र है पुल बच गया, पुल नहीं टूटा, पुल टूटता तो सोचो कितना भारी नुकसान होता, ओनली वन वे व्हीकल एट ए टाइम लिख रखा भाई, एक टाइम में एक ही व्हीकल जाएगी। चलते हैं यहाँ से, ये पलचान का ये मार्केट है, पीछे की तरफ गांव भी है, मेन मार्केट पलचान का यहीं से चालू हो जाता है, काफ़ी पुराना जगह है यहाँ पर, और सबसे बड़ा मार्केट है सोलंग वैली के पास का। सोलंग वैली का तो मार्केट बहुत छोटा सा है, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है, यह बड़ा मार्केट है, बड़ा मार्केट मतलब बैंक भी है, ATM भी मिल जाएंगे, आके दुकानें हैं शॉपिंग करने के लिए, किराना स्टोर, सब्जियों की दुकानें, थोड़ी गाड़ी उड़ी बाइक कोई ख़राब होती है तो शायद कुछ दुकानों रिपेयर हो जाए, ये थोड़ा बड़ा है एरिया यहाँ पर देखेंगे तो। सोलंग वैली में कुछ नहीं है ना, ATM है, थोड़े परचून की दुकानें हैं, सब्जी की दुकानें हैं, और होटल वोटल है खाने पीने के लिए, यही है, लेकिन यहाँ पर सब है, तो ये बड़ा है, लास्ट है, मान लीजिए कुल्लू वैली का जो लास्ट है ना मेन, थोड़ा बड़ा मार्केट पलचान ही है। पलचान में यदि कुछ नहीं मिल रहा है तो सबको जाना पड़ेगा मनाली, माल रोड, मनु मार्केट या जो भी है उस तरफ, सियाल की तरफ वाला मार्केट है, उधर जाके ही शॉपिंग करने पड़ेगा। ये है हाईवे चले आ रहा है, ये हाईवे को मेंटेन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये खराब उराब होता है, टूट फूट होती है तो जल्दी रिपेयर हो जाता है, क्योंकि पैसा भाई सीधे दिल्ली से आता है, और स्टेट हाईवे रहता है तो उसमें तो फिर लेट होता है रिपेयर, ऐसा नहीं है नहीं होता लेकिन लेट होता है। ये हाईवे देखिए मस्त बना हुआ है, अब क्लाउड ब्रस्ट हुआ था, उधर देखते हैं पुल की कंडीशन क्या है आगे वाले की। यहाँ से राइट हैंड रास्ता टर्न हो जाता है रोहतांग पास की तरफ, और सीधा चले जाता है सोलंग वैली की तरफ, तो स्कूटी से तो रोहतांग पास जा नहीं सकते, अलाउड नहीं है, टू व्हीलर गाड़ियाँ, सिर्फ 4 व्हीलर अलाउड है, परमिट भी चाहिए। इधर से जा सकते हैं सीधा अटल टनल, परमिट वर्मिट नहीं चाहिए, सामने बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से ये राइट टर्न है, सीधे चले जाएंगे 3 किलोमीटर सोलंग वैली, अटल टनल है यहाँ से 14 किलोमीटर, मतलब यहाँ से
पलचान से दूरी, और सोलंग वैली से 11 किलोमीटर है अटल टनल की दूरी। और ये है, ये ब्रिज तो लग रहा है मुझे थोड़ा डाउन साइड लग रहा है, थोड़ा बैठ गया है उस तरफ, फील तो कुछ ऐसा ही हो रहा है, हल्का सा दब गया है नीचे की तरफ। ये क्लाउड ब्रस्ट हुआ था, ये लेफ्ट हैंड साइड बड़े बड़े पत्थर है ना, राइट हैंड साइड सब आ रखे थे क्लाउड ब्रस्ट के कारण, इसलिए रास्ता भी यहाँ पे थोड़ा ख़राब हो गया है। इतने बड़े बड़े पत्थर, बाप रे, पानी का इतना फोर्स होता है ना भाई, कुछ भी बर्बाद कर सकती है, तबाह कर सकती है। नहीं तो हाईवे इस तरह का बना हुआ था एकदम मस्त स्मूथ रास्ते, सब टूट टाट गए हैं, सब खराब हो गया है, यहाँ पर कुछ कुछ इस तरह का हो गया है। तो यहाँ से मस्त है, और यहाँ पर भी जो लोग सोलंग वैली में सोचता है कि सोलंग वैली में रहे, यहाँ पर सामने सोलंग वैली रिजॉर्ट बढ़िया स्टे है, यहाँ पर महंगा है, मतलब सस्ते के चक्कर में ना रहे, महंगा है। रोड ऐसा होना तो चलाने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है, टू व्हीलर हो फोर व्हीलर हो कोई भी गाड़ी हो मज़ा आता है। रोड अच्छे नहीं हो, रोड ख़राब हो तो फिर बिल्कुल मूड नहीं करता ड्राइविंग का, चलाने का तो मूड ही नहीं करता है। तो जब ये हाईवे बना था काफ़ी मस्त था एकदम, आनंद से लेके चले जाओ जहाँ तक आगे बना हुआ है बिल्कुल। लेकिन भाई जो नेचुरल क्लाइमेट होती है, ख़राब होते रहते हैं मौसम, बादल फटते रहते हैं, लैंडस्लाइड होते रहती है, रास्ते ख़राब हो जाते हैं, अच्छे खासे बने हुए हैं इस तरह से। ये देखिए ये मस्त है व्यू, कितना अच्छा लग रहा है, पहाड़ों पे बादल हैं, थोड़े थोड़े कुछ ढक गए हैं, और रेनी सीजन में एक चीज़ है जो बादल देखने इस टाइम मिलेंगे वो कभी नहीं मिलेगा, अगस्त और सितंबर में तो यहाँ की बात ही अलग होती है, बिल्कुल मस्त होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है यहाँ पे। और यहाँ पर है एक प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और एक हाई स्कूल भी है यहीं पर, सामने दिख रहा है प्राइमरी स्कूल, ये है इधर मिडिल और हाई स्कूल, ये वाला है ग्रीन वाला बिल्डिंग। तो सोलंग गांव के लोग, पलचान के जो बच्चे हैं यहाँ पढ़ते हैं, एजुकेशन के लिए तो बढ़िया है, स्कूलिंग है अच्छा, पढ़ाई भी अच्छी होती है यहाँ पे, बढ़िया है यहाँ का। हल्की हल्की हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा, राइट हैंड साइड में शहद बेचा जा रहा है, हनी बी की फार्मिंग होती है डब्बे में, और यहाँ शहद बेचते हैं यहाँ पे लोकल। फिल्म की शूटिंग हो रही लगता है, वेंटी वैन खड़ी है ब्लैक कलर की, हो रहा होगा किसी पिक्चर का शूटिंग यहाँ पर, ऐसे भी यहाँ पर शूटिंग चलते ही रहता है, सोलंग वैली वाला एरिया ही है शूटिंग वाला, क्योंकि ये देख कर ही पता चल रहा होगा यहाँ जो ब्यूटी, यहाँ की ब्यूटी की ज़बरदस्त है, सोलंग वैली की बात करूँ तो ओपन है बिल्कुल, आबादी है नहीं, हरियाली है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं बिल्कुल चारों तरफ, और रास्ता है बिल्कुल जिग जैग, लेफ्ट राइट होते हुए। यहाँ से फिर सोलंग वैली का स्टार्ट हो जाता है, टूरिस्ट पॉइंट, मार्केट यहीं पर होती है, रोप वे वाली मतलब जिप लाइन वाली एक्टिविटी, काउंटर बने हैं, जिप लाइन की एक्टिविटी यहाँ पर दबा के होती है। सोलंग वैली थोड़ा आगे है रोप वे और स्की सेंटर, लेकिन यहाँ जिप लाइन की एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, यहीं पर उसका बस स्टॉप है, और यहाँ से 2 किलोमीटर है सोलंग वैली गाँव, पहाड़ पे है बिल्कुल, और यहाँ से सोलंग वैली का ये मार्केट, छोटा सा मार्केट है, किराने की दुकान है, चिकन शॉप, होटल, इधर भी होटल, नेपाली रसोई करके उधर रहने के लिए होटल, सोलंग रिजॉर्ट खाने पीने के लिए होटल हैं, यही है छोटा सा मार्केट, जो लेफ्ट हैंड साइड जो जितना दिखाई दे रहा है ना ज़्यादातर होटल ही है यहाँ पे इस तरह का। और यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर है सोलंग वैली का रोप वे और स्की सेंटर, दारू की दुकान भी है भाई। हिमाचल में एक बार देखा है मैंने,
एकदम बिल्कुल रिमोट लोकेशन है, दारू का ठेका जरूर मिल जाएगा, देसी वाला भी और अंग्रेजी वाला भी। पूरे रास्ते जिग जैग ही हैं, पहुंचने वाले हैं सोलंग वैली के रोप पे और इसकी सेंटर। बर्फ यहीं गिरती है, फ्लैट सरफेस है, रोप पे भी यहीं पर होता है। पिंक कलर का, गुलाबी कलर का बिल्डिंग दिखाई दे रहा होगा, तो ये वाला है। सीधा रास्ता चले आता है अटल टनल की तरफ, 11 किलोमीटर है यहाँ से उसकी दूरी। इधर है ये सोलंग वैली जो जाना जाता है ना, खाने पीने का फूड स्टॉल ये लगे हुए हैं इस तरफ कुछ कुछ, ऐसा देखेंगे। और ये है सोलंग वैली कुछ कुछ, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये कुछ कुछ इस तरह का ये दिखाई देता है यहाँ पर, ये सोलंग वैली। ये सामने सोलंग वैली का ये रोप पे और इसकी सेंटर, ये पहुँच गए हैं सोलंग वैली के रोप पे और इसकी सेंटर के पास। यही है लास्ट पॉइंट, मतलब जो भी लोग आते हैं ना घूमने के लिए, सैलानी या जो भी, वो यहीं तक आते हैं। अभी कम भीड़ दिखाई दे रही है, ऐसा भी ऑफ सीजन है ना, पीक सीजन में काफ़ी यहाँ भीड़ होता है, भरे हुए रहते हैं। तो ये जो फ्लैट सरफेस दिखाई दे रहा है ना, हरे हरे घास है, ये पैराग्लाइडिंग लैंडिंग पॉइंट है। कुछ कुछ वहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रही है, देखते हो ऊपर से नीचे आता दिखाता हूँ। वो है सामने पिंक कलर का वो दिखाई दे रहा है ना, वो रोप पे है, ऊपर जाता है वो चालू है। और माउंटेन पे बादल है ठीक ठाक, वहाँ पर ये हो रखे हैं इस तरह से। कुछ लोग हैं उधर सामने की तरफ वो खड़े, उधर वो ऊँट खड़ा है बच्चों के खेलने के लिए है उस तरफ। यहाँ बर्फ़ अच्छी खासी गिरती है विंटर के समय में, और ऊँचे ऊँचे माउंटेन देखिए उस तरफ। इधर कुछ कुछ ये फूड स्टॉल है खाने पीने के लिए। तो आया मैं ओल्ड मनाली से होते हुए सोलंग वैली की तरफ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, व्यू भी काफ़ी अच्छे लगे होंगे लोकेशन के। तो सेल्फ ड्राइव करके आएंगे ना, खासकर बाइक से स्कूटी से, इस रास्ते को आप काफ़ी इंजॉय करेंगे, क्योंकि पहाड़ों पर लोग यही देखने के लिए आते हैं। पहाड़, नेचर, हरियाली, ठंडी ठंडी हवाएं, सब कुछ यही, और पीसफुल और फ्रेशनेस फील होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में।